हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके मोबाइल में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, अगर आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, जैसे आप उसे ऑन करते हैं तो वो ऑन होता है, उसके बाद फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है फिर से स्विच ऑफ हो चुका है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो ऑन होता है, उसके बाद फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल की स्विच ऑफ अगर नहीं है, अगर थोड़ा भी ऑन है तो आपको उसे स्विच ऑफ हो जाने देना है। अभी मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ है, अगर आपका थोड़ा ऑन होता है उसके बाद फिर से वो बंद हो जाता है तो बंद हो जाने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच ऑफ पे आपको अपने पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, ये आपको करके रखना है। और जैसे आप ये करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये ऑन हो रहा है, पर पहले से अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वाइप डेटा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो अगर ऊपर से नीचे ऑप्शन पे जाना है तो आपको नीचे, अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे तो इससे आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अगर आप वॉल्यूम अप दबाएंगे तो इससे आप ऊपर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे ला के वाइप डेटा को पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ओके करने के लिए आपको पावर बटन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको वाइप डेटा पे लाना है, उसके बाद आपको ओके करने के लिए आपको पावर बटन को प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे वाइप डेटा पे लाना है तो आपको वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है, और आपको क्या करना है, पावर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म पे लाना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका जो भी फ़ोन में डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा, उसके बाद ऑन होगा, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है जो है वो फिक्स हो जाएगी। पर गाइस, अभी मैं आपको इसे लाइव रीसेट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं है जो मैं आपको लाइव रीसेट करके दिखाऊं। तो अभी ना मैं इसे हटा देता हूं, पर आगे का जो प्रोसेस है वो मैं एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, कंफर्म पे आपको कैंसिल था उस कंफर्म पे लाना है, उसके बाद आपको पावर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ना अभी इतनी MB नहीं है और ये जो प्रोसेस है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम दोनों प्रोसेस हैं, तो ये मैं एक वीडियो के थ्रू बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे लाना है कंफर्म पे और पावर बटन को दबा देना है। उसके बाद आपका देख सकते हैं फ़ोन जो है रीसेट होने लगा है, उसके बाद देख सकते हैं रीसेट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिबूट कर देना है, पावर बटन को आपको प्रेस करना है, उसके बाद रिबूट टू सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो फ़ोन है ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो फ़ोन है ऑन हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस, बाकी का जो प्रोसेस था वो मैंने फ़ोन चार्ज करने के बाद पूरा फ़ोन अपना रीसेट कर लिया था, तो उसके बाद मेरा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं ऐसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पर अगर आपकी जो प्रॉब्लम है इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है, ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई है इससे आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो ही जाए। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रही हो आपके मोबाइल में, या कोई आपकी बैटरी ख़राब हो। बैटरी ख़राब होगी तब भी ये जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपका जो फ़ोन है स्विच ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाना होगा, और जो भी मैंने आपको बताया है प्रोसेस उससे आपने अगर सही से फॉलो किया है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। पर ये कंफर्म नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स हो ही जाएगी। ये करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो चुकी है। पर इसके बाद भी अगर फिक्स नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो सकती है, बैटरी ख़राब होने के वजह से भी आपका जो फ़ोन है वो ऑन नहीं होता है। तो आपको सर्विस सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको अपने मोबाइल को चेक कराना होगा, उसके बाद वहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।